हाँ तो मिस्टर राजा, आज हम आप में रंग भर देते हैं। जिसका जिक्र इस हवेली में जुर्म माना जाता है, तुम उसकी तस्वीर बना रही हो। आपकी नजर में उसका जिक्र जुर्म हो सकता है पापा, लेकिन मेरी नजर में उसका नाम पूजा करने के काबिल है, क्योंकि मैं राजा से प्यार करती हूँ। दोबारा ये नाम तुम्हारी जुबान पे आया तो मैं तुम्हारी जुबान काट के फेंक दूंगा। पापा, आपने मुझे जन्म जरूर दिया है, लेकिन जीने का अधिकार आप नहीं छीन सकते। राजा मेरी जिंदगी है पापा। तो फिर समझो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। हमारे हुक्म के खिलाफ अगर तुमने एक भी कदम उठाया तो इसी हवेली के दीवारों में चुनवा दी जाओगी। दीवार में चुनवाकर आप मेरी मोहब्बत को अनारकली की मोहब्बत की तरह अमर कर देंगे पापा, अमर कर देंगे। कोई तो रास्ता निकालिए, आखिर यह हमारे बच्चों की जिंदगियों का सवाल है, और शायद होनी भी यही चाहती है, तभी तो वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए। अगर उन्हें इस दुश्मनी का पता होता तो वो कभी एक दूसरे के नजदीक नहीं आते। आप सूरजभान भाई से बात कीजिए, क्योंकि मेरा राणा जी से बात करना बेकार है, वो तो 25 साल पुराने जख्म को रेतते रहते हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आई थी आपके पास, अगर आप कोशिश करें तो सब कुछ हो सकता है, आप ही रास्ता निकालिए। किसकी इजाजत से, किसकी इजाजत से मेरे दुश्मन की चौखट पर नाक रगड़ने गई थी ठाकुराइन? राणा की मार मर्यादा और उसकी पगड़ी दुश्मन के कदमों में रखने की क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? बोलिए। राणा साहब, सूरजभान सिंह की जोड़ी पर एक ठाकुराइन नहीं बल्कि एक माँ अपने बेटे के आंसुओं में बहती हुई चली गई थी। उस बेटे की खुशियों के लिए जिसे पाने के लिए आपने खुद हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में दुआएं मांगी थी, उस बेटी के लिए जिसके एक इशारे पर दुनिया की हर खुशी उसके कदमों में डाल देते हैं आप। हमारी मोहब्बत को हमें कमजोर बनाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए ठाकुराइन। जैसे हमने दुनिया भर की खुशियां दी है, हमारी एक जिद के लिए उसे अपनी ये खुशी कुर्बान करनी ही होगी। समझाइए अपने बेटी को, हमारे दुश्मन के बेटे के नाम की खुशबू तक अगर उसकी सांसों में आई तो वो उसकी आखिरी सांस होगी। भाई साहब, सिर्फ आपके इशारे का इंतजार है, मैं सूरजभान के पूरे खानदान को जला के राख कर दूंगा।
जलाकर राख कर देने से हमारा इंतकाम पूरा नहीं होता अवधेश। हम तो उस खानदान की राख को हवा में उड़ा देना चाहते हैं ताकि उस राख को गंगा जल भी नसीब न हो। खुद ब खुद चलकर तेरे निशाने के सामने आया हूं, लेकिन पुरानी बातों का फैसला करने के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के हालात पर मशवरा करने के लिए आया हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं राणा कि पिछले 25 सालों से तुमने अपने जख्मों को हरा रखा है, भरने नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाने आया हूं कि वो जख्म मेरे दिए हुए नहीं है। तुम्हारे गुस्से और गलत फहमी ने हमें एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया। झूठ बोलते हो तुम, गलत फहमी ने नहीं, तुम्हारी मक्कारी और चालबाजी ने, तुम्हारे पैरों से उछाली गई उस पकड़ी ने, तुम्हारी चौकट से लौटाई गई मेरी बहन की डोली ने और मेरी आंखों के सामने चलती हुई मेरी बहन की चिता ने, इतना सब कुछ गलत फहमी नहीं हो सकती। मैं मानता हूं राणा, अगर तुम्हारी तरह मैं भी इस गलत फहमी का शिकार होता तो मैं भी यही कहता, मैं भी यही सब कुछ करता जो तुम कर रहे हो, लेकिन सच्चाई जानने के बाद। बंद करो अपनी जुबान, बार बार दोहराने से झूठ सच नहीं हो जाता। और जिद करने से दो और दो पांच नहीं हो सकते। दुश्मनी का पेड़ आम का नहीं कांटों वाले बबूल का होता है, काट डालो उसकी जड़ें, निकाल फेंको उसे। अगर तुम समझते हो कि सूरज भान ने तुम्हारी बहन की डोली वापिस कर दी थी तो वही सूरज भान आज तुम्हारी बेटी की डोली मांगने आया है। अपनी बेटी हमें दे दो। सूरज भान, राणा, जो इंसान दुश्मन की जान की हिफाजत करे उसकी दुश्मनी पर सूरज भान को नाज है, जैसे तुम्हारी दोस्ती पर था। तुमने मेरी जान बचाकर इंसानियत का सबूत दिया है, अब दुश्मनी भुलाकर अपनी महानता का सबूत भी दे दो राणा। सूरज भान, हम दोनों हार गए। बच्चों ने हमारे हाथों से बंदूकें भी छीन ली और दिलों से नफरत भी, दुश्मनी में बहुत जी लिए, चलो आप दोस्ती में जीते हैं। तो मिलाओ हाथ। सूरज भान, कहीं 25 साल पुरानी कहानी फिर से दोहराओगे तो नहीं? इस बार मेरी बेटी का सवाल है। नहीं दोस्त, ये ठाकुर सूरज भान का वचन है। क्या मांगा भगवान से? पल्लवी को बहुत कुछ नहीं चाहिए था, बस साथी चाहिए था, सो मांग लिया। तुमने क्या मांगा साथी? मैंने तो दो चीजें मांगी भगवान से। दो? जल्दी बताओ क्या क्या मांगा। एक तो भगवान से मांगा कि वो मेरे साथी की प्रार्थना स्वीकार करे, और दूसरी चीज अपने साथी का साथ निभाने की शक्ति। सच साथी, कहीं कुछ अनहोनी? कुछ नहीं होगा साथी, भगवान साक्षी है कि हमारा साथ जन्म जन्म का साथ है। हमारे रास्ते में आने वाला हर तूफान हमारे फैसलों से टकराकर वापस लौटने पर मजबूर हो जाएगा, और रास्ते में आने वाली हर चट्टान हमारे इरादों से टकराकर चूर चूर हो जाएगी।